इस मूवी की शुरुआत में हमें वॉशिंगटन के पास डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है और साल है 1990 और क्रिसमस की शाम है। जॉन मैकलेन नाम का आदमी अपनी वाइफ को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे आया हुआ है, पर रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने की वजह से पुलिस वाले उसकी गाड़ी ले जा रहे होते हैं। जॉन मैकलेन उनसे आर्ग्यू करता है ये कहकर कि ये गाड़ी मेरी मदर इन लॉ की है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, पर वो पुलिस वाला जॉन मैकलेन की एक नहीं सुनता और गाड़ी ले जाता है। जॉन मैकलेन पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव है। जॉन मैकलेन की वाइफ हॉली लॉस एंजलिस से यहाँ पर आ रही होती है, पर फ्लाइट डिलेड थी, तो जॉन मैकलेन इंक्वायरी पे जाकर पूछता है कि पे फोन कहाँ पर होगा, तो वो इंक्वायरी वाली लड़की इशारा करके बता देती है और खुद न्यूज देखने लग जाती है, जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि ईस्ट कोस्ट पर स्नो स्टॉर्म हो रहा है, पर काफी भारी बर्फबारी हो रही है। न्यूज में ये भी दिखा रहे होते हैं कि रिपब्लिक ऑफ वेलवेट के स्केलिन एयरपोर्ट पर वहां के डिक्टेटर एंड जनरल रैमन एस्परेंजा को तख्ता पलटने के बाद ट्रायल के लिए यूएस ले जाया जा रहा होता है। यही न्यूज डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के होटल रूम में एक आदमी भी देख रहा होता है। इस आदमी का नाम कर्नल स्टुअर्ट है और ये स्पेशल फोर्सेस से रिटायर्ड है और फिलहाल यहाँ पर नंगा पुंगा होकर मार्शल आर्ट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहा होता है। न्यूज में यह भी बताया जा रहा होता है कि 2 साल पहले रैमन एस्परेंजा ने कई मिलिट्री कैंपेन्स को लीड किया था। ये कैंपेन्स कम्युनिस्ट इंसर्जेंट्स के खिलाफ थे और यूएस ने इन कैंपेन्स को फाइनेंस भी किया था, लेकिन हाल फिलहाल में पेंटागन के कई हाई ऑफिशियल्स पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाई गई बैन का उल्लंघन किया है और रैमन एस्परेंजा को वेपन्स सप्लाई किए हैं। और ये एविडेंस भी मिला है कि रैमन एस्परेंजा ने पड़ोसी मुल्कों के साथ शांति समझौते का उल्लंघन किया है और इस सब के बाद कांग्रेस ने फंडिंग रोक दी है, क्योंकि जनरल रैमन एस्परेंजा ड्रग ट्रैफिकिंग में भी शामिल है। अब स्टुअर्ट बड़े स्टाइल से टीवी ऑफ करता है और रेडी होकर रूम से निकल पड़ता है। उसके साथ उसके 11 आदमी और भी हैं यहाँ पे। ये सब मिलकर हॉलवे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एयरपोर्ट पे एक रिपोर्टर कर्नल स्टुअर्ट को पहचान कर रिपोर्टिंग करने का ट्राई करती है, पर कर्नल स्टुअर्ट उसे डांट कर निकल जाता है। वहीं जॉन मैकलेन पे फोन से हॉली को कॉल करता है। हॉली बताती है कि फ्लाइट की लैंडिंग 30 मिनट्स डिलेड है, पर जॉन उसे फिलहाल ये नहीं बताता कि हॉली की मदर की कार को पुलिस वाले ले गए हैं। वो कहता है कि हम रेंटल कार यूज कर लेंगे। इसके बाद हॉली अपने बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत से बातें करती है। वो बूढ़ी औरत अपनी टेजर दिखाती है और कहती है कि पेपर स्प्रे के बजाय ये ज्यादा असरदार है सेल्फ डिफेंस के लिए। फिर एयरपोर्ट पे हमें दिखाया जाता है जॉन मैकलेन और स्टुअर्ट का टकराव होता है और दोनों एक दूसरे को घूर के दिखते हैं। जॉन मैकलेन पूछता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, तो स्टुअर्ट कहता है कि मैं टीवी पर अक्सर आता रहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक आदमी के घर पे। ये एक चर्च का केयर टेकर है। ये भी रैमन एस्परेंजा की न्यूज देख रहा होता है। तभी इसके यहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं और कहते हैं कि चर्च की बैकयार्ड में कंडक्ट बॉक्स में इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना है हमें। ये चर्च फिलहाल फंक्शन में नहीं था। वो आदमी दोनों को चर्च में ले जाता है और कहता है मैं इस चर्च के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा लगता है इस चर्च के साथ साथ अब मेरा कोई जुड़ा हुआ हिस्सा मर रहा है। तभी इन दोनों में से एक आदमी जिसका नाम बेकर है वो उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है और दूसरा आदमी जिसका नाम थॉमसन है किसी को अपने रेडियो पर रिपोर्ट करता है और कहता है द क्लब हाउस इज ओपन। ये दोनों आदमी फिर बेंचेस हटाकर यहाँ स्पेस बनाने लगते हैं। वहीं एयरपोर्ट टर्मिनल पे समांथा कोलीमैन नाम की रिपोर्टर भी रिपोर्टिंग कर रही होती है। कर्नल स्टुअर्ट का सेकेंड कमांडर गार्बर मिलर और कॉकरेन से बार में मिलता है। गार्बर स्टुअर्ट को बताता है कि सब कुछ पोजीशन में है और रेडी है। वो कॉकरेन से मौसम का हाल पूछता है तो कॉकरेन बताता है कि मौसम काफी खराब है, काफी स्नो स्टॉर्म हो रहा है। फिर मिलर एक गिफ्ट रैप्ड पैकेज लेके यहाँ से निकल जाता है। वही पास में टेबल पर जॉन मैकलेन बैठा होता है और स्मोकिंग कर रहा होता है। वो गार्बर और कॉकरेन को बातें करता हुआ देखता है। जब 2 पुलिस वाले बार में आते हैं तो कॉकरेन अपने ईयरबड को निकाल लेता है और वहीं गार्बर अपने पैकेज को टेबल के नीचे खिसका देता है, शायद पुलिस वालों की नजर से छुपाना चाह रहा हो। गार्बिन और कॉकरेन ने कॉम्बैट सूट पहन रखे होते हैं। जब कॉकरेन खड़ा होता है तो जॉन को उसके पास पिस्टल जैसा कुछ दिखाई देता है, तो जॉन को अब शक होने लगता है कि ये यहाँ कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो जॉन मैकलेन उन दोनों पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है
कि उस आदमी को फॉलो करो, पर इनमें से एक पुलिस वाला तो वही था जिसने जॉन मैकलेन का चालान काटा था। तो जॉन मैकलेन इनसे ज्यादा कुछ कहे बगैर यहां से चला जाता है और कॉकरेन को फॉलो करता है। वहीं रिपोर्टर सामंथा जस्टिस डिपार्टमेंट की दो ऑफिशियल्स का इंटरव्यू लेने का ट्राई करती है, पर वे लोग कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। आखिर वो लोग एयरपोर्ट पर यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? गार्बर स्टुअर्ट को इन्फॉर्म करता है कि हमारा एक आदमी अचानक बीमार पड़ गया था, तो उसकी जगह पर लास्ट टाइम पर एक नया बंदा आया है। वो स्टुअर्ट से यहाँ की सिक्योरिटी का हालचाल पूछता है। स्टुअर्ट उसे एश्योर करता है कि सिक्योरिटी तो बस मजाक है हमारे लिए, हमें अपने काम को अंजाम देने में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं जॉन मैकलेन कॉकरेन को फॉलो कर रहा होता है और फॉलो करते करते कॉकरेन एक दरवाजे से होता हुआ लगेज हैंडलिंग एरिया में पहुंच जाता है। जॉन फिर एक एम्प्लॉय से डोर खुलवाता है और कहता है जल्दी से पुलिस को हेल्प के लिए बुला लाओ। जॉन को अंदर मिलर और कॉकरेन दिख जाते हैं जो यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। जॉन उनसे कहता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो मिलर कहता है कि हम यहाँ पर काम करते हैं। फिर जॉन उनसे आईडी मांगता है तो वो लोग जॉन पर हमला कर देते हैं। मैकलेन भी उन्हें बढ़िया जवाब देता है, पर एक लगेज बैग से टकराकर उसकी पिस्टल गिर जाती है। तो वो एक लगेज बैग में से गोल्फ स्टिक उठाकर मिलर की पिटाई करता है और इसी फाइट में कॉकरेन को लगेज प्रेस में क्रश करके मार देता है और मिलर को चेज करता है, पर मिलर यहां से भाग निकलता है। तभी यहां पर एयरपोर्ट कॉप्स आ जाते हैं और मैकलेन को घेर लेते हैं। वहीं हॉली को प्लेन में रिचर्ड थॉर्नबर्ग नाम का आदमी मिलता है। रिचर्ड थॉर्नबर्ग एक रिपोर्टर है। इसे फर्स्ट क्लास में सीट के बजाय हॉली के पास की सीट मिलती है, तो वो फ्लाइट स्टाफ से काफी आर्ग्यू करता है कि मुझे इससे दूर बैठाओ, पर वो फ्लाइट स्टाफ इसके कारनामे जानती थी तो वो रिचर्ड को डांटकर वहीं पर बिठा देती है। वो फ्लाइट स्टाफ हॉली से पूछती है कि तुम्हारा इससे क्या मैटर है, तो हॉली कहती है कि मैंने इसके दो दांत तोड़ दिए थे। और ये सुनकर वो फ्लाइट स्टाफ काफी खुश होती है और हॉली से शैंपेन के लिए पूछती है। वहीं एयरपोर्ट टर्मिनल पे कॉकरेन की बॉडी को पैक करके ले जाया जा रहा होता है। दरअसल मैकलेन भी एक कॉप है और इसी वजह से उसकी आइडेंटिटी जानने पर मैकलेन को उसकी पिस्टल सौंप दी जाती है। वहीं चर्च के बाहर स्टुअर्ट के दो आदमी खुदाई कर रहे होते हैं और मिलर यहां मैकलेन से बचकर भागता हुआ पहुंच जाता है। अंदर स्टुअर्ट एयरपोर्ट के मैप पर प्रोटेक्टर से कुछ मेजरमेंट कर रहा होता है। मिलर आके बताता है कि एक पुलिस वाले ने कॉकरेन को मार दिया, पर स्टुअर्ट को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस ये जानने में इंटरेस्टेड था कि इनको दिया हुआ काम पूरा हुआ या नहीं। स्टुअर्ट मिलर के सिर पर गन रख के ट्रिगर दबा दे पाए, पर गन लोडेड नहीं थी। स्टुअर्ट कहता है अगली बार जरा भी गड़बड़ हुई तो गन नेक्स्ट टाइम खाली नहीं होगी। वहीं जॉन मैकलेन एयरपोर्ट पुलिस के हेड लॉरेंजो के पास पहुंच जाता है। जॉन को अभी भी लगता है कि यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है, पर लॉरेंजो उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा जॉन से ही बहस करने लगता है। फिर लॉरेंजो जॉन मैकलेन को अपने ऑफिस से भगा देता है। अब जॉन मैकलेन खुद ही काम पर लग जाता है। वो एक क्लर्क से पेपर और इंक पैड लेकर कॉकरेन की बॉडी के पास पहुंचकर उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। इसके बाद हमें रेमन एस्परेंजा वाला प्लेन दिखाया जाता है। उसे F-16 फाइटर जेट से वॉलवर्ड से लाया जा रहा है। पायलट्स आपस में बातें करते हैं कि 3.5 घंटे में हम US पहुंच जाएंगे। एस्परेंजा वहां एक यंग सोल्जर से कहता है कि मेरे पैरों की जंजीर थोड़ी ढीली कर दो, पर वो यंग सोल्जर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। एस्परेंजा उसकी लॉयल्टी पर उसे अप्रिशिएट करता है और सिगरेट लाइट करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ चर्च में स्टुअर्ट और उसके आदमी अपना पूरा तामझाम सेट कर लेते हैं। फिर जॉन मैकलेन कॉकरेन की फिंगरप्रिंट्स को पॉवेल नाम के पुलिस ऑफिसर को फैक्स करता है और चेक करने को कहता है कि ये किसके हैं। वहीं एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में एयरपोर्ट चीफ ऑफ ऑपरेशन ट्रूडो चीफ इंजीनियर बांस से मौसम का जायजा लेता है। अब यहाँ पर मौसम काफी खराब था तो प्लेन्स की लैंडिंग कराने में काफी दिक्कतें आने वाली थी। बांस कहता है कि मैं सारे रनवेज चालू कर देता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और धीरे धीरे करके प्लेन लैंड कराने होंगे। तो ट्रूडो मान जाता है और सभी कंट्रोलर्स को ऑर्डर देता है कि सभी प्लेन्स को स्लो करवा दो ताकि लैंडिंग कराने में प्लेन्स का कंजेशन ना हो। वहीं पावल फिंगरप्रिंट्स की डिटेल चेक करके रिपोर्ट भेज देता है। पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट्स सार्जेंट ऑसवाल्ड कॉकरेन के हैं, जो कि रिकॉर्ड के हिसाब से पहले ही मर चुका है। पर पावल बताता है कि कॉकरेन ने अपनी मौत का नाटक किया था और वो अपनी आर्मी सर्विस के दौरान कई ब्लैक ऑपरेशन में इन्वॉल्व था। ये इन्फॉर्मेशन लेकर जब मैकलेन कंट्रोल टावर की तरफ बढ़ता है तो रिपोर्टर समान था
उससे बातें करने की कोशिश करती है, पर मैकलिन भी उसे इग्नोर कर देता है। वहीं कंट्रोल टावर में ट्रूडो काफी टेंशन में था। वो बताता है कि वॉशिंगटन डीसी का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है क्योंकि रनवे स्नो से जम चुका है, मतलब वहां की फ्लाइट्स भी यहां डलस एयरपोर्ट पर लैंड करानी होगी। एक तो इतना मौसम खराब है और ऊपर से इतनी सारी फ्लाइट्स यहां पर लैंड कराने की जिम्मेदारी है, आज तो बैंड बजने वाली है। लॉरेंजो ट्रूडो से कहता है कि यहां एस्पेरेंजा की स्टोरी कवर करने के लिए काफी मीडिया वाले भरे पड़े हैं और ऊपर से उस कोक्रेन की यहां पर डेथ हो गई शूट आउट में। ये बात बाहर लीक हो सकती है और काफी हंगामा हो सकता है। ट्रूडो कहता है, मैं सब रिपोर्टर्स को भगाना चाहता हूं, पर ऐसा करने से हमें काफी दिक्कत हो सकती है। तभी जॉन मैकलेन यहां पर आकर इन्हें कोक्रेन की पूरी जानकारी देता है। हालांकि लॉरेंजो जॉन मैकलेन की बातों पर ऑब्जेक्शन करता है, पर ट्रूडो को अब मैकलेन पर भरोसा है कि कुछ यहां पर गड़बड़ होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ चर्च में एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर जैसा सेटअप बना लिया गया था स्टुअर्ट और उसकी टीम द्वारा। वहीं एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर पर लॉरेंजो, ट्रूडो और बांस ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि रनवे की लाइट्स धीरे धीरे करके बंद हो रही हैं। मतलब इनके अलावा कोई और है जो सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है। अब बिना लाइट्स के फ्लाइट नहीं लैंड करा सकते, तो यहां टावर में हड़कंप मच जाता है और फिर सभी को ऑर्डर मिलता है कि प्लेन के पायलट्स को इन्फॉर्म करें कि अभी प्लेन्स को लैंड न कराएं और ऊपर ही हवा में रहें और अल्टरनेट एयरपोर्ट पर लैंड कराने की ट्राई करें और जो बचे हुए प्लेन्स हैं वो फिलहाल ऊपर ही चक्कर लगाते रहें। अब स्टुअर्ट यहां कंट्रोल टावर में ट्रूडो को कॉल करता है और डिमांड करता है कि उसे अगले एक घंटे में फुली फ्यूल्ड प्लेन चाहिए और एस्पेरेंजा के एयरक्राफ्ट को वो अपनी मर्जी के रनवे पे लैंड कराएगा। लेकिन स्टुअर्ट फिलहाल एस्पेरेंजा का नाम यूज किए बगैर फ्लाइट नंबर यूज करके बात करता है ताकि उसके प्लान की भनक न लगे किसी को। स्टुअर्ट ट्रूडो को ये भी क्लियर कर देता है कि यहां सिस्टम किसी ने रिस्टोर करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। जॉन मैकलेन ट्रूडो की हेल्प करने की कोशिश करना चाहता है। यहां पर समांथा भी पहुंच जाती है, पर लॉरेंजो इन दोनों को यहां से भगा देता है। समांथा मैकलेन से कहती है कि कर्नल स्टुअर्ट ने भी तुम्हारी तरह मुझे भगा दिया था, और कर्नल स्टुअर्ट का नाम सुनते ही मैकलेन के दिमाग की घंटी बजती है और वो फटाफट यहां से चला जाता है। टावर में बांस और इंजीनियर्स प्लेन से कम्युनिकेशन रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे होते क्योंकि सिस्टम अब स्टुअर्ट के कंट्रोल में था। बांस को ध्यान आता है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन टर्मिनल है और उसमें एक नया ट्रांसमीटर है, वो शायद अभी भी काम कर रहा हो। बांस बताता है कि वो आधे घंटे में वहां पर कंट्रोल सिस्टम सेट कर लेगा और फिर प्लेन से बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोग। वहीं जॉन मैकलेन एयरपोर्ट के मेंटेनेंस एरिया में पहुंच जाता है जहां पर उसे मार्विन नाम का जनरेटर मिलता है जो कि म्यूजिक सुन रहा होता है। फिर मैकलेन वेंटिलेशन डक्ट से होता हुआ आगे बढ़ता है। बेचारे जॉन मैकलेन की ये क्रिसमस की शाम बर्बाद हो रही होती है। इसी बीच ट्रूडो प्लेन को मैसेज करता है कि जब तक सिस्टम को रिस्टोर न किया जाए तब तक ऊपर ही चक्कर लगाते रहो। वहीं बांस अपना टूल केस लेकर और स्वैट टीम के 5 सिपाही लेकर उस टर्मिनल की तरफ बढ़ रहा होता है, पर वहां पर स्टुअर्ट के कुछ गुंडे पेंटर्स और मेंटेनेंस स्टाफ बनकर मौजूद थे। एक गुंडा साइड वर्क को रोक देता है जिससे बांस और स्वैट टीम रुक जाती है। फिर बांस और स्वैट टीम चल के ही आगे बढ़ते हैं, पर अब स्टुअर्ट के आदमी इन पर फायरिंग कर देते हैं। बांस एक जगह छुप जाता है और स्टुअर्ट के आदमी एक एक करके सभी स्वैट टीम मेंबर्स को मार देते हैं। एक आदमी बांस पर पीछे से आकर गन तान देता है और खोपड़ी में गोली मारने वाला होता है। तभी ऊपर से वेंटिलेशन डक्ट से होता हुआ मैकलेन वहां पर पहुंच जाता है और उस गुंडे को मार देता है, और फिर मैकलेन और बाकी गुंडों के बीच फायरिंग होती है। मैकलेन इनका जमकर सामना करता है और एक एक करके सबको धराशायी कर देता है। फिर बांस और मैकलेन एंटीना सिस्टम को चेक करने जाते हैं, पर तभी वो टावर धमाके से उड़ जाता है, पर ये दोनों अभी भी सेफ थे। वहीं प्लेन में रिचर्ड थॉर्नबर्ग हॉली के पास वाली खिड़की से बाहर देखता है जहां पर काफी सारे प्लेन काफी करीब उड़ रहे होते हैं। वहीं मैकलेन फिर बांस की पट्टी करता है और बांस यहां की रिपोर्ट ट्रूडो को देता है। तभी मैकलेन को एक गुंडे के पास से कोई नॉइज सुनाई देता है, दरअसल ये उस गुंडे का रेडियो था। दूसरी तरफ से गार्बर इन गुंडों से यहां की सिचुएशन का जायजा लेना चाह रहा था, पर मैकलेन ये साफ साफ नहीं सुन पा रहा होता। बांस बताता है 3-डिजिट कोड एंटर करके ही बातें सुन सकते हैं। अगर किसी गुंडे ने मरने से पहले स्टुअर्ट से कम्युनिकेशन करने के लिए कोड एंटर किया होता तो काफी आसान रहता हमारे लिए। वहीं चर्च में जब स्टुअर्ट को यह पता चलता है कि उसकी टीम के मेंबर मारे गए हैं तो वह भड़क उठता है। फिर स्टुअर्ट अपने आदमियों से कहता है कि जिस फ्लाइट में सबसे कम फ्यूल है उसकी डिटेल दो।
वो आदमी स्टुअर्ट को चेक करके बता देता है और स्टुअर्ट के ऑर्डर पे आईएलएस ग्राउंड लेवल को एक्चुअल ग्राउंड लेवल से 200 फीट बिलो सेट कर देता है। स्टुअर्ट के पास पूरा कंट्रोल था, वो कंट्रोल टावर की फ्रीक्वेंसी से उस प्लेन के पायलट से प्लेन लैंड कराने की परमिशन दे देता है। पायलट को लगा कि ये इंस्ट्रक्शन कंट्रोल टावर से मिले हैं तो वो लैंडिंग कराना स्टार्ट कर देता है। अब मैकलेन समझ जाता है कि ऐसे तो ये प्लेन क्रैश कर जाएगा, तो वो दो पाइप्स, कपड़े और लाइटर लेकर रनवे की तरफ दौड़ता है और पाइप पे कपड़ा लपेट कर आग लगा के इनकमिंग प्लेन को सिग्नल देने की कोशिश करता है। कंट्रोल टावर से लोरेंजो और ट्रूडो मैकलेन को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो आखिर करना क्या चाह रहा है। जब प्लेन रेंज में आ जाता है तो मैकलेन और जोर जोर से सिग्नल करता है, पर सब बेकार रहता है। प्लेन उसके ऊपर से निकल जाता है और पायलट अब जमीन देखकर पैनिक हो जाता है और नॉर्मल डिसेंट से तेज होने की वजह से फ्यूल टैंक फटकर प्लेन में आग लग जाती है और सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। फिर स्टुअर्ट दोबारा कंट्रोल टावर में कॉल करता है और बताता है कि अगर आगे ऐसा नहीं देखना चाहते तो हमारा एस्केप प्लेन टाइम पर अवेलेबल रहे और कोई भी एस्परेंजा के एयरक्राफ्ट की लैंडिंग में इंटरफेयर न करे। वहीं क्रैश साइट पर सर्च और रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, पर सब मर चुके थे। वहीं ट्रूडो अब बांस से कहता है कि ऊपर जो भी प्लेन चक्कर लगा रहे हैं उन्हें कैसी भी करके आने वाले खतरे के लिए आगाह कर दो। मैकलेन अब बहुत दुखी है तो ट्रूडो उसे तसल्ली देता है और बताता है कि स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया है स्टुअर्ट और उसके लोगों को हैंडल करने के लिए। अब इन स्पेशल फोर्सेस का हेड मेजर ग्रैंट है। ये लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर मेजर ग्रैंट बताता है पहले स्टुअर्ट मेरे साथ काम करता था और मैं उसकी टैक्टिक्स जानता हूँ। अब पूरे सिस्टम का कंट्रोल स्टुअर्ट के हाथों में था। तभी बांस को एक आइडिया आता है कि आउटर मार्कर बीकन की फ्रिक्वेंसी यूज करके प्लेन से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है और ऐसा करके बांस पायलट को इन्फॉर्म कर देता है। पर ऊपर प्लेन में मौजूद रिचर्ड और उसके साथी ये सब सुन लेते हैं। दरअसल रिचर्ड के साथी के पास रेडियो मौजूद था। वहीं टावर में मेजर ग्रांट पहुंचकर प्लानिंग करने लगता है और जॉन मैकलेन को सिविलियन कहकर भगा देता है। फिर जॉन मैकलेन मार्विन के पास पहुंचकर पायलट ब्रीफिंग रूम में जाने का रास्ता पूछता है ताकि मेजर ग्रांट की बातें सुन सके। अब मार्विन को मिलर का खोया हुआ रेडियो मिल गया था, तो जॉन मैकलेन स्टुअर्ट और गार्बर के बीच की बातें सुन लेता है। वहीं चर्च में स्टुअर्ट अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तभी थॉमसन इन्फॉर्म करता है कि स्प्रेंजा वाला एयरक्राफ्ट रेंज में आ गया है और स्टुअर्ट इस एयरक्राफ्ट से कंट्रोल टावर की फ्रिक्वेंसी में बात करता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट में एस्परेंजा ने उस यंग सोल्जर को मार दिया था। इस प्लेन का पायलट स्टुअर्ट से कहता है कि हमें तो दूसरा रनवे असाइन हुआ है और हम प्लेन को वहीं उतारेंगे, किसी दूसरे रनवे पर नहीं। पर तभी एस्परेंजा कॉकपिट में आकर पायलट के सिर पर बंदूक तान देता है, तो मजबूरन पायलट को इनके बताए रनवे पर बढ़ना पड़ता है। को पायलट गन छीनने की कोशिश करता है और इससे यहाँ पर गोली चल जाती है। वो बेचारा को पायलट मारा जाता है और विंडो में एक होल हो जाता है। एस्परेंजा फिर मेन पायलट को भी मार देता है और स्टुअर्ट के बताए रनवे पर अप्रोच करता है। ये सब बातें मिलर वाले रेडियो पर मैकलेन ने भी सुन ली थी, तो वो दौड़कर उस रनवे पर पहुंच जाता है। और प्लेन के लैंड होने पर जब मैकलेन को एस्परेंजा दिखता है तो मैकलेन उस पर टूट पड़ता है। पर तभी यहाँ पर स्टुअर्ट के गुंडे आ जाते हैं और जबरदस्त फायरिंग करने लगते हैं मैकलेन पर। इस फायरिंग के दौरान मैकलेन भी इनका जवाब देता है और मैकलेन की एक गोली एस्परेंजा के शोल्डर में लग जाती है। पर मैकलेन स्टुअर्ट के गुंडों से बचता हुआ कॉकपिट में छुप जाता है, तो उसे बाहर से बंद करके स्टुअर्ट के गुंडे धुआंधार फायरिंग करते हैं और इस समय मैकलेन को भी गोली लग जाती है। पर एयरक्राफ्ट एक्सप्लोड हो उससे पहले मैकलेन पायलट सीट पर बैठकर इजेक्ट होकर बाहर उड़ जाता है और पैराशूट से सेफली लैंड कर जाता है। जब एयरपोर्ट की टीम यहाँ आने लगती है तो स्टुअर्ट अपनी टीम के साथ यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मेजर ग्रैंट और लोरेंजो मैकलेन को काफी खरी खोरी सुनाते हैं और कहते हैं कि इस सब के बाद स्टुअर्ट अब दूसरे प्लेन को भी क्रैश करवा देगा। फिर बांस मैकलेन को साइड में ले जाकर एयरपोर्ट का मैप दिखाता है जहां पर कुछ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज शोन थी, तो इन्हें अंदाजा हो जाता है कि स्टुअर्ट कहीं आसपास ही छुपा हुआ है। दरअसल वो चर्च जिसमें स्टुअर्ट का सेटअप है वो एयरपोर्ट के जस्ट पास में ही था और कुछ साल पहले चर्च और एयरपोर्ट अंडरग्राउंड कनेक्टेड थे। मैकलेन और बांस स्टुअर्ट को ढूंढते ढूंढते वहां चर्च के बाहर तक पहुंच जाते हैं। वहां एक आदमी बाहर पहरेदारी पे था। बांस लोरेंजो को कॉल करके स्टुअर्ट का पता बताता है
और मैकलेन चर्च की तरफ बढ़ता है। वहीं हॉली जब मैकलेन को कॉल करती है तो मैकलेन का बीपर बचने लगता है और इसकी आवाज सुन के वो आदमी मैकलेन पर टूट पड़ता है। इनके बीच में फायर स्टार्ट हो जाती है। वहीं अंदर चर्च में स्टुअर्ट एस्पेरेंजो को बताता है हमारा एस्केप प्लेन रेडी है। तभी मेजर ग्रैंड अपनी टीम के साथ तेजी से यहाँ पर पहुंच जाता है। मैकलेन और उस आदमी की फाइट अभी भी जारी थी। बेचारा मैकलेन पिट रहा होता है पर वो आइस के एक पीस को उठाकर उस आदमी की आंख में घुसा देता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। यहाँ पर लोरेंजो और ग्रैंड के आदमी पहुंच जाते हैं और चर्च के अंदर बढ़ते हैं पर स्टुअर्ट को इसका पता लग जाता है और वो यहाँ के इक्विपमेंट्स को डिसेबल करके एक्सप्लोजिव फिट कर देता है। अब दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और स्टुअर्ट अपने लोगों के साथ यहाँ से स्नो स्कूटर्स पे भाग जाता है। मैकलेन उन्हें भागता हुआ देख लेता है और गार्बर को शूट करके उसका स्नो स्कूटर लेकर उनका पीछा करता है। मैकलेन गार्बर की गन लेकर उन पर फायरिंग करता है पर बहुत अच्छा निशान होने पर भी दुश्मनों का बाल भी बांका नहीं होता। और स्टुअर्ट जब मैकलेन पर शूट करता है तो गैस टैंक एक्सप्लोड हो जाता है पर बेचारा मैकलेन अभी भी सेफ था। मैकलेन गन की मैगजीन को चेक करता है और ये देख के काफी हैरान हो जाता है कि ये तो नकली है। इसी बीच रिचर्ड थॉर्नबर्ग अपने न्यूज स्टूडियो में कॉन्टेक्ट करके बांस की मैसेज की रिकॉर्डिंग एडिटर्स को भेज देता है जिसमें सारे सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन पायलट को दी जा रही थी। वहीं स्टुअर्ट ट्रूडो को कॉल करके कहता है कि ग्राउंड स्टाफ को भेजकर हमारा एस्केप प्लेन चेक करवाओ। मेजर ग्रैंड भी ये बात सुन लेता है और लोरेंजो को वापस एयरपोर्ट जाने को कहकर अपनी टुकड़ी के साथ स्टुअर्ट की तरफ निकल पड़ता है। फिर इसके बाद हमें हैंगर में वो एस्केप प्लेन दिखाई देता है जो कि बिल्कुल रेडी है। अब मेजर ग्रैंड की टीम में इनके बीच एक नया मेंबर था, ये वही है जो कि इनके पुराने साथी के अचानक बीमार होने पर एज अ रिप्लेसमेंट यहाँ पर आया था। कहीं ये इनकी बात बाहर न बता दे तो मेजर ग्रैंड उसे मार देता है और स्टुअर्ट को कॉल करके कहता है कि हम आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि मेजर ग्रैंड और उसकी टुकड़ी भी स्टुअर्ट के प्लान में शामिल थी, यानी ग्रैंड भी स्टुअर्ट की तरह एस्पेरेंजा का ही आदमी है। मैकलेन जख्मी हालत में मार्विन के पास पहुंच जाता है और मार्विन उसे फिर लोरेंजो के पास अपनी गाड़ी में ले जाता है। मैकलेन बताता है कि ग्रैंट स्टुअर्ट से मिला हुआ है और इन लोगों ने गन फाइट वाले इंसिडेंट को रियल शो करने के लिए ब्लू टेप मैगजीन का यूज किया जो कि असल में ब्लैंक थी। लोरेंजो अब भी स्टाइल दे रहा होता है, खामखा एटीट्यूड दिखा रहा होता है तो मैकलेन गुस्सा होकर उस पर अंधाधुन फायरिंग करता है पर ये गोलियां तो नकली थी। लोरेंजो अब पूरा खेल समझ जाता है और अपने आदमियों को इकट्ठा करता है। वहीं हॉली वाले प्लेन में रिचर्ड बांस की रिकॉर्डिंग के साथ न्यूज पर लाइव होकर रिकॉर्डिंग को प्ले कर देता है और सिचुएशन इससे डिस्क्लोज हो जाती है। अब ये न्यूज जानकर एयरपोर्ट पे भगदड़ मच जाती है और सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। अब यहाँ से अनकंट्रोल्ड भीड़ में मैकलेन और लोरेंजो का हैंगर तक पहुंचना काफी मुश्किल था। मैकलेन और लोरेंजो कार में बैठकर आगे बढ़ते हैं पर यहाँ पर काफी भीड़ जमा थी और एक कार इनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। वहीं हॉली को पता चल गया था कि रिचर्ड आखिर कर क्या रहा है तो वो बगल वाली ओल्ड लेडी का टेजर निकालकर थॉर्नबर्ग को शॉक देकर बेहोश कर देती है जिसे ब्रॉडकास्ट रुक जाता है। फिर ग्रैंड और उसकी टीम हैंगर पहुंचकर एस्पेरेंजा और स्टुअर्ट से मिलते हैं और डिपार्चर के लिए रेडी होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैकलेन समांथा को देख लेता है और रिक्वेस्ट करता है कि अपने हेलीकॉप्टर से मुझे स्टुअर्ट के प्लेन तक ले चलो। मैकलेन इसके कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर से जंप करके स्टुअर्ट के प्लेन के विंग पर पहुंच जाता है और एक जैकेट को एलोंस में फंसाकर ब्लॉक कर देता है तो प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पा रहा होता। एस्पेरेंजा बाहर मैकलेन को देख लेता है और वो ग्रैंड को मैकलेन के पास भेजता है। मेजर ग्रैंड बाहर आकर विंग्स चेक करता है और उसके और मैकलेन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। मैकलेन उस पर भारी पड़ता है और उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद स्टुअर्ट भी बाहर आकर मैकलेन से भिड़ जाता है पर मैकलेन गिरते गिरते एक वॉल्व खोल देता है जिससे फ्यूल लीक करने लगता है। फिर मैकलेन एक सिगरेट लाइटर जलाकर लीकिंग फ्यूल में आग लगा देता है। प्लेन हालांकि टेक ऑफ हो गया था पर आग वहां तक पहुंच जाती है और प्लेन धमाके से उड़ जाता है। अब ये आग देखकर हॉली वाला प्लेन का पायलट सक्सेसफुली अपना प्लेन लैंड करा देता है क्योंकि अब उन्हें साफ साफ रनवे दिख रहा था और बाकी प्लेन्स भी इजिली लैंड कर जाते हैं। अब यहाँ पर लोरेंजो और उसकी टीम यहाँ पे पहुंच जाती है। मैकलेन अपनी वाइफ हॉली को देखकर काफी खुश होता है।
तभी लॉरेंजो मैकलिन के पास आता है और उसका चालान फाड़ देता है और कहता है, अरे क्रिसमस है मेरे भाई, इंजॉय करो, तुमने सबको बचाया जो है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।